नेताओं के विवादित और फूहड़ बोल हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। अमूमन इन नेताओं के निशाने पर महिलाएं होती हैं, फिर चाहे वो महिला राजनीति से जुड़ी हो या ना हो, उनके लिए महिलाएं आसान निशाना होती हैं, क्योंकि इनके रंग रूप कदकाठी मोटापे या बालों को लेकर वे बड़ी आसानी से कुछ भी बोल निकलते हैं। साल 2018 में भी इसी तरह के फूहड़ बयान सुनने को मिले, तो आइए जानते हैं नेताओं के उन विवादित बयानों को जिसने खूब बवाल मचाया। नंबर एक, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने संसद में जिस अंदाज में कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना शुणुप रेखा से की और इस पर जिस अंदाज में संसद में बैठे नेताओं ने ठहाके लगाए, ये दृश्य सारी हकीकत बयान कर देता है। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई पछतावा देखने को नहीं मिला। नंबर दो, मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य ने बहुत ही घटिया बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं बांझ रहे मगर ऐसे बच्चों को जन्म ना दें जो संस्कारी ना हो और जो समाज में विकृति पैदा करते हों। नंबर तीन, दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज ने तो पूरे मीटू मूवमेंट पर ही सवाल उठाते हुए डंके की चोट पर कहा था कि महिलाएं पैसे लेकर आरोप लगाती हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ महिलाएं जानबूझकर पुरुषों पर ऐसे आरोप लगा रही हैं। नंबर चार, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री जिन्होंने सलाह दी कि शराब के ब्रांड को महिलाओं का नाम दें तो शराब खूब बिकेगी। एक और मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि महिलाओं को कार की तरह घर में पार्क करके रखेंगे तो रेप नहीं होंगे। और नंबर पाँच, ये बात तो सिर्फ पुरुष नेताओं की है, महिला नेता भी इसमें पीछे नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़े गर्व से कहा था कि क्या आप अपने किसी दोस्त के घर खून से सना हुआ नैपकिन लेकर जाएंगे? नहीं ना, तो भगवान के घर में कैसे जा सकते हैं? ये वही लोग हैं जो देश में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में महिलाओं के लिए क्या इज्जत है, उसका अंदाजा इन बयानों को देख सुनकर आसानी से लगाया जा सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।